पहले तो जब आपने टक्कर मारी तो उसके बाद मैंने आपकी पहले पूरी प्रोफाइल चेक की, मतलब थे आप लेकिन मैंने कभी मैसेज नहीं किया था इनको ना कभी, मतलब की स्टोरी पे रिप्लाई ना लाइक्स वगैरह, बस थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक बार फिर एक फ्रेश मॉर्निंग से। तो गाइस घर में ना लाइट भी नहीं है, तो भाई क्योंकि ना सुबह सुबह ना बिजली का कोई काम लगा हुआ है तो भाई लाइट नहीं है, तो भाई व्लॉग में थोड़ा बाहर शूट करना पड़ रहा है। और भाई मम्मी पापा भी ना फुल पावर अंदर बैठे हुए हैं, आराम से मजे ले रहे हैं भाई, आराम से। आज लाइट नहीं है तो कोई काम नहीं है, आराम से भाई बिस्तर में बैठे हुए हैं। भाई पापा पता नहीं कहाँ कहीं दिखना तो भाई बोल रहे होंगे भाई इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह कहाँ निकल रहा है तो व्लॉग शूट करने। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ, बेसिकली मुझे ना कहीं कुछ काम है तो वो काम करना है, लेकिन ना मेरे पास ना मेरी बाइक जो है ना वो भी नहीं है। जैसे कि आपको पता है वो शोरूम में पड़ी है, तो भाई मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बोला था कि तो भाई मेरी बाइक ले जाना, उसमें व्लॉग शूट करना। तो चलो देखते हैं क्या रहता है सीन, जो भी रहेगा खुद भी देखेंगे आपको भी बताऊंगा। तो चलो अब यहाँ से फुल पावर निकलते हैं, अपना बैग वगैरह उठाते हैं फिर निकलते हैं फुल पावर, मिलता हूँ सीधा आगे जाके। सो फाइनली गाइस भाई फुल पावर घर से निकल चुका हूँ, तो भाई अपना गोप्रो वगैरह मैंने साथ में ले लिया। तो भाई यहाँ पे एक मेरा फ्रेंड रहता है तो वो बोल रहा था कि भाई आप मेरी बाइक ले जाना, तो अब पता नहीं कौन सी बाइक है, मेरे को लगता है उसके पास शायद अपाचे 160 RTR है, तो मैं भी शायद वो वाली बाइक लेके जाऊं, लेकिन ना वो सुबह सुबह कॉल पिक नहीं कर रहा, तो भाई सोया हुआ है। तो भाई सुबह सुबह आपको पता है भाई लड़के ना काफी गहरी नींद में सोए होते हैं, तो कोई किसी की कॉल पिक नहीं करता। तो अभी फुल पावर यहाँ से निकलता हूँ, जाता हूँ उसके घर में, बजाता हूँ उसका गेट। तो भाई क्या करूँ यार, अपनी आपको पता है स्प्लेंडर पे व्लॉग शूट कर करके मजा भी नहीं आ रहा, और अपनी RS के बिना ना उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा। तो अब यहाँ से फुल पावर निकलता हूँ, भाई GoPro वगैरह मैंने अपने साथ में ले लिया, तो अब यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं वो कहाँ पे, उसको कॉल तो की हुई है मैंने, वहाँ पे जाकर उसको उठाना भी पड़ेगा भाई, सुबह सुबह ना भाई सोया हुआ बेचारा। तो चलो यार उसकी नींद को करते हैं डिस्टर्ब, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस देख रहे हो भाई सुबह सुबह सोया हुआ है, इसको मैंने ना घर से उठाया। गुड मॉर्निंग। तो चलो यार राहुल से ना चाबी लेते हैं, तो फुल पावर निकलते हैं। तो भाई इसने बोला था भाई भैया सुबह ले जाना चाबी, तो अभी तो देख रहे हो भाई रात को ज्यादा पढ़ा है इसने, तभी सोया हुआ है। क्या पढ़ रहा था रात को? सो फाइनली गाइस भाई यहाँ पे ना ये लगी है RTR, और भाई ये आ चुकी है हमारे पास चाबी। तो भाई स्पेशल थैंक टू राहुल, तो भाई थैंक यू राहुल। तो भाई चलो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ फुल पावर, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहा था, तो इसने भाई कमेंट बॉक्स में लिख के किया था, तो भाई अपनी डेविल फैमिली के मेंबर जो है ना भाई इतने हेल्पफुल हैं, भाई हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, स्पेशल जो भद्रवा से हैं। तो भाई पता नहीं कितने दिन से इसने खड़ी करके रखी हुई है, अब पता नहीं स्टार्ट भी होगी नहीं होगी। तो चलो फाइनली गाइस भाई आ चुकी है अपने पास अपाचे RTR, आज काफ़ी दिन के बाद भाई स्पोर्ट्स बाइक चलाने का मौका मिल रहा है, भाई नेक्स्ट बाइक को चलाने में तो अपना ही मज़ा है। भाई फ्यूल वगैरह भी डला देंगे इसमें। तो चलो फुल पावर निकलते हैं, आज काफ़ी दिन के बाद वही कोई अच्छी सी बाइक मिली है, तो थोड़ा सा भाई हाथ सेट करने में टाइम लगेगा, उसके बाद जब एक बार हाथ सेट हो जाएगा ना फिर तो भाई काफ़ी मस्त मज़ा आएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी सुबह सुबह भाई जा कहाँ रहा है, तो भाई सुबह सुबह जा रहा हूँ एक मस्त सा व्लॉग शूट करने आप लोगों के लिए। तो भाई फुल पावर देख रहे हो भाई कैसे उड़ते उड़ते जा रही है आज बाइक अपनी, और भाई सुबह सुबह ना उतना ज़्यादा रश भी नहीं रहता, तो भाई सुबह सुबह ना व्लॉग शूट करने में काफ़ी मज़ा आता है, कोई किसी की टेंशन वाली बात नहीं, भाई अपने आराम से आप निकल सकते हो। भाई थोड़ा सा ना इसका अगला वाला हैंडल जो है ना वो बबल कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है टायर जो है ना वो मे भी शायद गंजा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो गाइस काफ़ी दिन के बाद भाई स्प्लेंडर से सीधा भाई RTR पे आ गया हूँ, तो भाई मज़ा आ रहा है यार इसको चला के, भाई नेक्स्ट लेवल फील आ रहा है यार। तो भाई RS में ना थोड़ा सा बेंड ज़्यादा है, इसमें तो भाई बिल्कुल आराम से मज़े से आप इसको चला सकते हो। सांप की तरह नाच रही यार ये तो पूरी, जहाँ से भी घुसाना घुसा सकते हो यार आप इसको। लेकिन भाई एक बात है, हम ना कभी भी किसी की भी बाइक राइड करना स्टार्ट कर देते हैं तो भाई GoPro को भी बेचारे को समझ नहीं आता भाई आज किसके हिसाब से एंगल सेट करूं। तो भाई पता नहीं हैंडल भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई थोड़ा सा फ्यूल भी कम है, इसमें फ्यूल अप भी करवाना है, कहीं ऐसा ना हो भाई बीच रास्ते में फ्यूल ख़त्म हो जाए और धक्का देना पड़े यार। कैसा मज़ा आ रहा है भाई आज आपको, आज आपको भी भाई ब्लॉग में ना काफ़ी दिनों के बाद ना मज़ा आ रहा होगा। तो भाई मैं तो अपनी बाइक को बहुत मिस कर रहा हूँ यार, कब आएगी भाई अपनी RS, और भाई फिर हम ना एक बार फिर से खतरनाक खतरनाक व्लॉग शूट करेंगे। तो चलो गाइस अब ना पहले ना बाइक में ना फ्यूल अप करवाते हैं, क्योंकि ना इसमें ना इंडिकेटर भी शो हो रहा है कि भाई फ्यूल जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि भाई इसको ना धक्का देना पड़े भाई मुझे, भाई सुबह सुबह भाई धक्का दे रहा होगा ना इन सड़कों पर तो भाई मौजू बन जाएगा यार। तो गाइस चलो भाई यहाँ पर ना फ्यूल भरवा लेते हैं, पहले TFT डिस्प्ले लगा हुआ है बाइक में भाई पूरा गंदा सा यार, इसको साफ़ कर दो यार, भाई दिख भी नहीं रहा कुछ आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अंकल QR कोड कहाँ पर है? नहीं चल रहा तो फिर कैसे पैसे तेल कैसे भरवाना है? कार्ड है नहीं ना,
तो गाइस भाई सुबह सुबह तो गाइस भाई सुबह सुबह तो मजाक बन गया यार भाई, यहाँ पे तो क्यूआर कोड ही नहीं चल रहा यार, और भाई बाइक में तेल भी नहीं है यार। भाई आप तो भाई मेरे लिए गाना बजना चाहिए, कौन सा बजना चाहिए वो तो आपको पता ही है। तो गाइस भाई आपको ना एक मौजू वाली बात बताता हूँ कि भाई सुबह से मैं इस बाइक को राइड कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ पे पढ़ा ना तो भाई यहाँ पे लिखा क्या है यार। भाई मुझे खुद हंसी आ रही है कि जब मेरा फ्रेंड मेरी वीडियो देखेगा ना वो बोलेगा भैया क्या कर रहे हो यार, भाई ये अपाचे आरटीआर 200 है यार, 160 नहीं है। तभी मैं सोचूं भाई इसमें इतनी ज़्यादा पावर है क्यों। तो भाई ये 160 नहीं यार, 160 ऐसा फील नहीं करवा सकती। तो अब चलो यार मस्त मज़े से अब फ्यूल अप करवाना है। और भाई इसमें ना मोड भी आते हैं भाई, तीन मोड है, रेन मोड, अर्बन मोड और स्पोर्ट्स मोड। तो भाई पहले मैं अर्बन मोड में चला रहा था तो भाई वो किक नहीं मिल रही थी, तो भाई अब ना मैंने इसको ना स्पोर्ट्स मोड में ना शिफ्ट कर दिया। तो भाई यहाँ से मोड चेंज होते हैं, तो भाई यहाँ पे ना मोड वाला बटन है, तो भाई इसको प्रेस करोगे ना तो यहाँ से मोड जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। तो अब स्पोर्ट्स मोड में भाई काफ़ी मस्त मज़ेदार, अब तो भाई ज़्यादा थ्रिल मिलने वाला है आपको लाइफ में, देख रहे भाई। और गाइस भाई आप सारे ना भाई मुझे एक बात भाई आज भी लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, तो मैं जब भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना वहाँ पे एक बंदे का नाम हमेशा होता ही होता है। तो भाई वो कौन बंदा है, वो बंदा है भाई अपनी बकबक। तो भाई हमेशा बकबक के बारे में पूछते रहते हो कि भाई बकबक कहाँ है, बकबक कहाँ है। तो गाइस भाई आपने देखा था भाई जब मैंने उसके बाद लास्ट वीडियो शूट की थी ना, तो मैंने ना उसके कपड़ों को लेकर ना थोड़ा सा ना गलत कह दिया था, तो भाई मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। तो भाई लेकिन क्या करूँ यार, भाई वहाँ पे ठंड भी इतनी ज़्यादा थी, बेचारी क्या ही करती भाई, लेकिन फिर भी मेरे लिए इतना करती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी भाई, थी नहीं गाइस आज भी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसी बात नहीं है। उसके थोड़े एग्जाम्स वगैरह हैं, उसमें थोड़ी वो बिजी है, तो एग्ज़ाम वगैरह उसके फुल पावर होने दो, उसके बाद आपके लिए भाई मस्त मस्त व्लॉग शूट करने के लिए हम उसके पास भी ज़रूर जाएंगे, उसको भी ज़रूर मनाएंगे, क्योंकि भाई फ्रेंडशिप में ना ज़्यादा देर लड़ाई नहीं रहती है, तो भाई थोड़ी देर लड़ाई तो भाई किस में नहीं रहती है। तो अब चलो यार यहाँ से निकलेंगे, अब जाना कहाँ पे, अब जाना तो भाई पहले फ्यूल अप करवाने, लेकिन उससे पहले बावे वाली माता का आशीर्वाद ले लेते हैं। और गाइज मैं आपसे एक बात और भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ना मुझसे प्यार करते हो, अगर भाई शुभम से प्यार करते हो ना, तो भाई जो आप कमेंट्स में लिखते रहते हो ना, लिखते रहते हो ना कि भाई इसको लेके आओ वीडियोस में, इसको लेके आओ, तो गाइज भाई मेरे पास ना ऐसा कोई भाई जादू तो है नहीं ना कि भाई मैं वो जादू डालूं और वो बंदा भाई मेरी वीडियोज़ में आ जाए। अगर भाई उसको मन करता है तो वो आएगा, अगर उसको मन नहीं करता तो मैं ज़बरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकता ना, और स्पेशली भाई लड़कियों के साथ तो मैं कभी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मैं क्या भाई कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ना भाई 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो भाई हमारी तरह नहीं कि भाई बाइक की चाबी उठाई और कैमरा पकड़ा और निकल के व्लॉग शूट करने, तो उनको भाई और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इस समाज में ना सर्वाइव करना इतना आसान काम नहीं है जितना भाई कैमरे में लाइफ दिखती है, तो भाई बहुत ज़्यादा टफ लाइफ है। तो इसीलिए भाई अगर आप मेरे वेलविशर हो या मेरे से प्यार करते हो ना, तो भाई मेरे वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ, मुझे सपोर्ट दिखाओ, तो ये मत बोला करो कि भाई इसको लेके आओ, इसको लेके आओ। भाई जब जिसकी मर्ज़ी होगी, जिसका मूड होगा, वो खुद आ जाएगा, हम उसको कोई फोर्स नहीं करेंगे, किसी को भी भाई मैं फोर्स नहीं करूँगा। ये नहीं मैं बोलता कि भाई मैं इसको फोर्स करूँगा, इसको फोर्स करूँगा, जिसको मूड होगा वो हमारी वीडियोज़ में खुद आ जाएगा। तो गाइस देख रहे हो भाई यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है भाई, 200 लिखा हुआ है, और भाई मैं इसको 160 बोले जा रहा था। तो अब चलो फ्यूल अप करवाते हैं भाई, यहाँ पे शुगर करो, ऑनलाइन हो गया यार, ये तो खज्जल हो जाता यार। तो चलो यार देख रहे हो 00 हो चुका है, तो भाई 500 का फ्यूल फिल करवाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस आपको एक बात बताऊँ, मैं हमेशा जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, जो भी यूट्यूबर है भाई छोटा क्यों ना हो, भाई लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करके ही भाई वो यूट्यूबर बने होते हैं। तो भाई हर बंदा ना कुछ जरूर सेक्रीफाइस करता है, कोई भाई अपना खाना पीना, कोई पढ़ाई, कोई कुछ, भाई हर बंदे ना कुछ तो सेक्रीफाइस किया हुआ है। तो भाई आपके भाई ने क्या सेक्रीफाइस किया, तो भाई आपका भाई तो भाई अपना प्यार सेक्रीफाइस करते फिरता है। तो भाई आप बोलते हो ना कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, तो भाई कुछ नहीं होता। चलो यार शायद मेरी किस्मत में प्यार ना हो, तो भाई सभी ऐसा हो रहा हो मेरे साथ, तो चलो यार जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फुल पावर इन्जॉय करना व्लॉग को। भाई आप लोग अगर मेरे साथ खड़े हो ना, मुझे सपोर्ट कर रहे हो ना, तो मैं आपके लिए मस्त मस्त व्लॉग शूट करता रहूँगा, और जिस दिन भाई हमें सच्चा प्यार मिलना होगा तो वो भी ज़रूर मिलेगा यार। तो चलो देखते हैं कौन आ रहा है, किससे मिलाना है बापू, है ना। तो फाइनली गाइस भाई यहाँ पे देख रहे हो भाई कौन हमारा वेट कर रही है, तो भाई श्वेता यहाँ पे हमारा वेट कर रही थी, तो चलो भाई यहाँ से ना इसको पिक कर लेते हैं। हाय श्वेता। कितना टाइम हो गया यहाँ पे। तो चलो गाइस इसको यहाँ से पिक करते हैं, चलते हैं कहीं, फिर वहाँ पे बैठ के गप्पे मारते हैं, ठीक है। बहु प्लाजा चलना है, एग्जीबिशन है। तो गाइस चलो फाइनली भाई अब मैंने ना यहाँ पे पिक कर लिया श्वेता को, तो अब हम जा रहे हैं बहु प्लाजा। तो भाई बहु प्लाजा में ना इसकी एग्जीबिशन है, तो भाई पता नहीं क्या बोल रही है पीछे। श्वेता क्या बोल रहे हो, गिर जाओगे पीछे से? हा? पीछे से गिर जाओगे क्या? नहीं गिरोगे पक्का? अभी तो बोल रहे थे। तो भाई बोल रही है भाई पहली बार ऐसी बाइक पे बैठी हूँ इतनी ऊंची बाइक पे, ये गिर गया ना तो सिर चोर फट जाएगा।
सुबह सुबह देख रहे हो यहाँ पे तो भाई फाउंटेन लगा हुआ है तगड़ा सा। ओह तो पानी भी दिया जा रहा है इसको। भाई मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टेंशन ये है कि भाई श्वेता के पास ना हेलमेट नहीं है। भाई पुलिस वाले भैया भी ऐसे घूर घूर के देख रहे थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो भाई अभी पकड़ ले हमें। तो भाई लड़की पीछे बैठ के तो भाई इसकी तो बोलती बंद होगी यार। तो भाई आपको पता है बहनें ऐसे कितना ज़्यादा तंग करती है, लेकिन अगर किसी भी बंदे को आपको डराना या किसी की बोलती बंद करवानी है ना, एक बार अपनी बाइक के पीछे बिठवा दो और भाई दो चार काट मार दो तो भाई चुपचाप भाई दोबारा मुँह भी नहीं खोलेंगे आपके सामने। उतरी तो भाई देख रहे हो भाई सुबह सुबह भाई स्टॉप ही भाई भाई ने तो भाई स्टॉप ही से शुरुआत किया भाई सुबह सुबह भाई खतरनाक यार ये तो यार ऐसे मारनी चाहिए भाई ब्रेक है। श्वेता रास्ता पता है यहाँ से तेरे को है? तो गाइस भाई इन गलियों से ना आज हम घूमन यार मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ पे आता ही नहीं हूँ। तो फिर पहुंच गए हम आज, फिर एग्जीबिशन जब खत्म होगा ना उसके बाद ही पहुंचेंगे। कितने बजे पहुंचना है? पूरे 10 बजे। पूरे 10 बजे? 5-10 मिनट आगे। गाइस ये देख रहे हो, ये देख 10 तो बज गए भाई, 10 बजे घर से निकली है यार ये। भाई बोल रही है 10 बजे मुझे वहां पे पहुंचना है और भाई ये 10 बजे तो घर से निकली है। समझ भी नहीं आ रहा कहाँ से काम मोड़ना है यार, कहीं थोड़ा सा भी गलत हो गया ना तो भाई इतना लंबा चक्कर लगता है ना गांधीनगर वाली साइड का। भाई पोपट होने वाला है तगड़े तरीके से आज, इसको नहीं बताऊंगा अगर इसको बता दिया ना मैंने कि भाई इसका पोपट होने वाला है फिर भाई ये मारेगी मुझे। गूगल मैप लगा लेते हैं यार, नहीं तो दोनों भटकेंगे तगड़े तरीके से। दोनों भाई बहन नल्ले से मिल चुके इसको भी नहीं पता भाई तो मेटाडोर लेके जाती है तो वो मेटाडोर आप खुद तो ना चलाते हो तो गाइस यार ये भाई मौजू हो गया आज तक भाई इसको भी नहीं पता भाई ये जहाँ जा रही है ना इसको भी नहीं पता इन्हें जाना कहाँ से है। भाई बोलती मैं मेटाडोर में बैठती हूँ वो बजा देती है। तो चलो देखते हैं आप क्या रहता आगे, जो भी रहेगा पूरा बताऊंगा आपको मैं, टेंशन नहीं लो यार, पहले कहीं पहुँच जाए यार ठिकाने पर। सो फाइनली गाइस भाई पहुँचने वाले हैं बहू प्लाजा। सो फाइनली गाइस कुछ इस टाइप की लोकेशन पे हम आए हुए हैं। तो भाई जैसे कि आपने देखा भाई हमारे साथ आज कौन आई हुई है, तो गाइस आप ना भाई कमेंट बॉक्स में ना बहुत ज़्यादा लिख के भाई पूछ रहे थे मेरे से कि भाई ऐसा कैसे होता है कि भाई आपकी ना एक दिन एक लड़की के साथ टक्कर लगती है, दूसरे दिन वो आपके साथ व्लॉग में आ जाती है। तो भाई ऐसा मुझे लगता नहीं था कि भाई मैंने कुछ ऐसा सोच समझ के किया हुआ था। तो भाई ये तो भाई शायद हमारी किस्मत में लिखा था कि भाई जिस लड़की को मैंने टक्कर मारी थी ना उसके साथ मेरी दोबारा मुलाकात जो है होना ज़रूरी थी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं था भाई, अब क्या करें यार, हम ना एक दूसरे को शायद थोड़ा बहुत पहले से भी जानते थे या क्या था वो तो आपको ना हम श्वेता के मुंह से सुनाएंगे। तो भाई श्वेता यहाँ पे बैठी हुई है फुल पावर। तो भाई ये आई हुई थी यहाँ पे एग्जीबिशन है इसका कोई, तो भाई ऑलरेडी एग्जीबिशन के भी लेट हो रही है, ऑलरेडी लेट है। तो भाई पता क्या बोल रही है, बोल रही है भाई बैक डोर से ना एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि भाई आगे से ना भाई मोटे वाले सर बैठे हुए तो भाई देख रहे हो भाई यहाँ पे। भाई चलो अब इसी से पूछते हैं श्वेता से। श्वेता अब आप हमारी ऑडियंस को बताओ कि भाई आप ना मेरे को कैसे मिले। पहले तो जब आपने टक्कर मारी हाँ, तो उसके बाद मैंने आपकी पहले पूरी प्रोफाइल चेक की, मतलब थे आप लेकिन हाँ, मैंने कभी मैसेज नहीं किया था इनको हाँ, ना कभी मतलब की स्टोरी पे रिप्लाई ना लाइक्स वगैरह, बस थे। अच्छा। तो जब टक्कर मारी तो मैंने पूरा यूट्यूब मतलब छान के निकाल दी यूट्यूब प्रोफाइल, फिर पूरा मतलब इनका देखा बैकग्राउंड, मतलब की फैमिली कैसी है, लव लाइफ कैसी है, फ्रेंड्स कैसे है, एक तो वो क्या बोलते हैं कमेंट में जो बक बक जिसका नाम लेते हैं हाँ, उसके साथ भी मैंने देखा कि उसको मतलब कि बड़े सारे लोग बोलते हैं उनको लाते नहीं हो, उनकी वजह से बहुत एंटरटेनमेंट होता है, बहुत हंसाते हैं वो। अच्छा। तो उसके मुझे नहीं पता इतना है पूरा लेकिन जो भी है अच्छा होगा, इसलिए सारे मतलब उनको बोल रहे हैं कि आना चाहिए उनको। तो जब टक्कर वाली तब मैंने तो उनके पहली वाली जो आपने डाली थी हाँ, टक्कर वाली जो भी इन्होंने डाली है वीडियो हाँ, उसमें मैंने पूरे पूरे कमेंट पढ़े हैं वहाँ पे, एक तो रिया का, एक टक्कर मारने वाला, एक हाँ स्क्रिप्ट है, ये तीन बातें मतलब बहुत ज्यादा चली थी वहाँ पे कि ये स्क्रिप्ट है, हाँ टक्कर मारी है सामने दिखा, इन्होंने बोला कि गिर जा लड़की गिर गई नीचे मतलब क्या था ये तो भाई मैं तो आपको जानता ही नहीं था यार, जानता था मतलब कि नहीं, मैंने देखा था जब इन्होंने वो हेलमेट डाली थी ना वो उतारी, फिर मुझे लगा कि हाँ ये वही है जिनके मैंने एक दो बार ब्लॉग देखे, ज्यादा देखती नहीं थी ये कि सब्सक्राइब नहीं किया था ना लाइक करती थी भाई बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही यार, अब ज्यादा हो रहा है नहीं मैं जानती नहीं थी इसलिए। तो उसके बाद मैंने फिर पूरी मतलब छानबीन करते हैं जो
पुलिस बन के पूरी छानबीन कर दी, सीआईडी बन गई तो पूरा निकाला। फिर इनसे मैंने बोला कि मुझे मतलब कि वैसे मुझे ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ, तो थोड़ा चलो एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो इसलिए आपके साथ। तो गाइस भाई लड़की ना फर्स्ट टाइम बाइक पे बैठी थी, तो भाई कैसा एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब कि जो इनकी बाइक है ना उस पे फर्स्ट टाइम बैठी मैं, मतलब मेरे को ऊंट वाली बाइक लगती थी, जो पीछे बैठता ना वो इतना लंबा हो जाता, मतलब कि उसको थोड़ी भी ज्यादा स्पीड करो ना पीछे वाला तो गया, मतलब उड़ जाएगा। मुझे लगा कि मैंने उड़ जाना है, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय हो जाना मेरा आज, लेकिन नहीं, मतलब अच्छा रहा एक्सपीरियंस। जो मतलब कि राइडर है, राइडर के साथ बैठी हूँ लेकिन ये वाली बाइक पे नहीं बैठी, आज फर्स्ट टाइम बैठी मैं, बड़ा मजा आया। वैसे बैठी थी ना तो ये हमेशा मुझे यही बोल रही थी कि भाई मुझे ना बहुत ज्यादा डर लगता है बाइक पे, तो बाइक थोड़ी आस पास चलाना, एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते ना, लोगों को तो पता होगा कि जम्मू में कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो मैं स्कूटी चलाती थी, मैंने वो छोड़ दी, मेरा कहीं ऊपर का टिकट कट गया। तो भाई जिंदगी बड़ी प्यारी यार इसको बहुत ज्यादा। लेकिन चलो अब आप मुझे क्या बनाना चाहते हो? अपना भाई, भाई बनाना चाहते हो ना? भाई है ना, तो भाई वाला रिलेशन अच्छा है ना हमारे बीच में ना, बहुत तो ज्यादा अच्छा है, मजा भी आता है, इसमें बेस्ट फ्रेंड तो है मेरा। हाँ, फ्रेंड भी है मेरा, फ्रेंड फ्रेंड्स में है, लेकिन वो वाला ना जो आप समझ सकते हो कौन सा रिलेशन, वो मुझे नहीं चाहिए बहुत, उसमें वो गाली नहीं दे सकती मैं, लेकिन बहुत क्या बोलूं, रोना धोना है, सुबह झगड़ा करो शाम को रो, बस ये होता है रोज का और कुछ नहीं। तो भैया पता नहीं क्या बोल रही है, भैया की देखी थी मैंने लव स्टोरी उनकी देखी है मैंने कैसी थी और मुझे इतना नहीं पता, लेकिन अच्छी थी, लोग कमेंट करते हैं रिया को मिस करते हैं सारे, ऑब्वियसली अच्छी होगी, भाभी है मेरी सही बोला ना, भाभी है मेरी। तो चलो यार कुछ नहीं होता, यूट्यूब के लिए भाई बड़ा कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, चलो है ना, और क्या, क्या पता क्या क्या सैक्रिफाइस किया मैंने भी, लेकिन सच बताऊं ना मेरे को आज बाइक पे बैठ के बड़ा ज्यादा मजा आया, लगा था उड़ जाऊंगी लेकिन नहीं, मैं गाड़ियों के बीच में से ऐसे ऐसे करके निकली ना, क्या बोलूं, ऑसम, बहुत ज्यादा ऑसम, मतलब बड़ा ज्यादा मजा आया मेरे को, उस टाइम बैठी ना मैं, बाल ऐसे उड़ रहे थे पीछे, आंखों में पानी आ, सर ने ना मेरी ऐसे की मुंडी पकड़ लेनी है। तो भाई इसका इवेंट है भाई, वहाँ पे लेट हो रही है और भाई बाइक पे बैठ के ना इतनी खुश हो गई है भाई, यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रही है ना, बैक गेट से निकलना पड़ेगा मुझे, लेकिन वहाँ पे भी खड़े होंगे वो, सर ऐसे आएंगे, अच्छा आप कहाँ थे, तो बोलना सर इतनी दूर से, एक वो पता फोन नहीं चलाने थे, थोड़ा फोन चलाओ ना, बोलते क्या कर रहे हो, क्यों चला रहे हो फोन, लोग आ रहे हैं उनको हैंडल करो ना, जो भी कस्टमर आते हैं उनको हैंडल करो, आप फोन पे लगे हुए हो, वो आपके देख के मतलब कि जो भी वहाँ पे एग्जीबिशन के लिए रखा हो वो देख के चले जाएंगे, तो वो देखना ही है ना, अब मैं उठा के उनको दूंगी नहीं कि आपको पसंद आ गया फ्री में ले जाओ तो भाई बहुत यार स्ट्रगल है जिंदगी में बहुत ज्यादा, इसको देख के तो कुछ ज्यादा ही लग रही है, मैं सोच रहा हूँ मेरी लाइफ ठीक चल रही है मेरी स्ट्रगल वाली है अभी तो भाई सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है यार, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका स्ट्रगल देखा हुआ मैंने, देखा देखा कहाँ से, कैसे मतलब यूट्यूब पे इतने सारे सब्सक्राइबर बनाए, मतलब कि यहाँ तक पहुँचना अच्छी है, मतलब हैट्स ऑफ, क्या बोलूँ मैं, अब मेरे मतलब वर्ड्स नहीं है, बहुत मुश्किल है तो गाइस कोई नहीं यार, मिलके हम और आगे पहुँचेंगे, टेंशन नहीं लो यार, आप लोगों की अगर सपोर्ट रही ना तो भाई हम दूर तक जाएंगे यार, दिल्ली पास में, फिर दिल्ली दूर नहीं है, मेरे को सपोर्ट कर दो, मैं प्राइवेसी भी नहीं लगी है, ओपन अकाउंट है, आप फॉलो कर लेना सारे, बैक फॉलो मिल जाएगा सबको पक्का, तो भाई पक्का तो गाइस भाई ये वाली लाइन तो कटने वाली है, नहीं और एक्टिंग के पहले 100 रुपए काटूंगा तेरे नहीं यार मेरा क्योंकि इंस्टाग्राम ही है, तो वहां पे मेरे को सपोर्ट कर दो, तो यार चलो यार देख रहे हो भाई आज ना भाई इसके मन में जितनी भड़ास थी ना सारी निकाल, देख रहे हो कैसी लग रही हूं मैं, हाईलाइट करा के, नहीं ये मैंने खुद की, मैं घर पे एक्सपेरिमेंट भाई देख रहा हूँ अपने बालों पे एक्सपेरिमेंट चल रहा तो गाइस चलो यार भाई इसकी एग्जीबिशन है भाई, बैठी है यहाँ पे भाई, भूल ही गई है कि एग्जीबिशन है भाई, गप्पे मार रहे हैं भूल गई, मोटा सर मार देगा
तो चलो यार यहाँ से फुल पावर निकलते हैं। मुझे भी भाई जाना है मम्मी के साथ काम पे, तो भाई वहाँ पे वो वाले काम भी फिनिश करने हैं, तो भाई घर वालों के काम करना भी जरूरी है, लेकिन बहन के काम करना भी जरूरी है, लेकिन पहले मेरा जरूरी है, तो भाई बहन बहन को भी ड्रॉप करना जरूरी है। लेकिन यार मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था ना भाई बहन की, तो उसको देख के ना मुझे तेरी याद आ गई थी कि भाई मैंने भी अपनी बहन को वैसे ही तंग करना है। तो कहे चलो यार यहाँ से फुल पावर निकलते हैं। तो भाई अब ना ये मेरे को कैसे जानती है, कैसे हमारी मुलाकात हुई, इसने सारा बता दिया। तो भाई ये मेरी ऑलरेडी सब्सक्राइबर थी, इसने ना भाई मेरे यूट्यूब पे पूरा छानबीन भाई उसके बाद भाई मुझे मैसेज किया और भाई बोल रही है कि आपके साथ ना भाई वाला रिश्ता जो है वो सबसे बेस्ट है, तो आज से हम भाई बहन। तो भाई वो तो आपको पहले ही बताया था हमने, इसकी शादी हमने करवानी है, टेंशन नहीं। 5-6 साल अभी मैंने घर रहना अपने, उसके बाद। अच्छा तो चलो गाइस भाई अब ना श्वेता को यहाँ पे ड्रॉप करना है भाई, यहाँ से देख रहे हो भाई इन खड्डों में से जाना है इसने। तो गाइस देख रहे हो भाई कहाँ से भाई गुप्त रास्ते से जाना पड़ रहा है भाई, लड़की तो गई भाई, जब लेट हो जाता ना बंदा तो भाई ऐसे ही करता है यार। तो भाई डेली आप कमेंट बॉक्स में लिखते थे ना कि भाई कैसे जानते हो आप, कैसे जानते हो इसको, तो भाई आज तो इसने भाई सारा सब कुछ खुद ही बता दिया। तो भाई मुझे नहीं पता था कि भाई इसने इतनी ज़्यादा छानबीन की हुई है मेरे बारे में। तो भाई थोड़ी सी लेट हो रही थी इसलिए भाई इसको मैंने जल्दी छोड़ दिया, नहीं तो भाई गप्पे मारने में ना मज़ा बहुत आता यार इसका भाई फुल इंजॉय करती है यार ये भी। तो चलो गाइस इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो व्लॉग को करो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। तो मिलता हूं आपके साथ एक नेक्स्ट तगड़े से व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।